तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यक्सिम जो कि एक ब्रोकर है, ये क्या 100% ट्रेडेबल डिपॉजिट बोनस दे रहा है। जैसे कि जो भी आप फंड डिपॉजिट ओक्ट एफ एस एक्सचेंज वगैरह में करते हो, जैसे $100 आपने डिपॉजिट किया तो दिन आपको कितना मिलेगा, 100 ही मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे जब डिपॉजिट करोगे, ये ऑफर अभी लिमिटेड टाइम के लिए स्टार्ट होता है, बीच बीच में आता रहता है, मैं अपडेट करता रहता हूँ, तो जस्ट अपडेट करने के लिए किया हूँ। बाकी ये वीडियोज़ मैंने फुल्ली कैसे करना है, कैसे क्लेम करना है, वो चीज़ों के बारे में बताया, बट इसके निगेटिव पॉइंट भी मैं इस वीडियो में बार बार बता दूंगा और लाइव अभी दिखा दूंगा। स्प्रेड कितना होता है इस अकाउंट में, यानी कमीशन कितने लेते हैं। तो सिंपल, इसमें $100 डालोगे 100 का 200 मिल जाएगा, $200 डालोगे 200 का 400 मिल जाएगा। जैसे कि ये देखो, मैंने एग्जाम्पल में समझाया भी है और इसका लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया, तो इसलिए वहाँ से क्या है, आप इसलिए अकाउंट बना सकते हो और बोनस क्लेम कर सकते हो। बट क्लेम करने से पहले ये मेरा फुल वीडियो ज़रूर देख लेना, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ही वीडियो के मिल जाएगा, इसलिए इसको अच्छे से वॉच कर लेना। बाकी लाइव आपको इसका कमीशन दिखाने वाला है, इसका निगेटिव पॉइंट भी, क्योंकि जो चीज़ है वो सच्चाई बता के आपको बताना ज़रूरी है। या नहीं कि बस आपको जो सोचो, अरे तो ट्रेडेबल बोनस दे रहा है, यानी ट्रेडेबल बोनस ये 100 का 200 हो गया, अब 200 अगर लॉस करोगे तो जाके आपका अकाउंट जीरो होगा, यानी $100 डाल के $200 तक लॉस कर सकते हो, और जो भी प्रॉफिट बनाओगे इसलिए प्रॉफिट भी उसको विड्रॉ कर सकते हो। चलिए अब लाइव मार्केट में इसका कमीशन हम दिखा देते हैं, सबसे निगेटिव पॉइंट वही है फ्रेंड, ये चीज़ हो गई। आप देख सकते हो ये मेरा एक्सएम ब्रोकर का स्टैंडर्ड अकाउंट है, क्योंकि ये जो बोनस देते हैं ट्रेडेबल स्टैंडर्ड अकाउंट है। इसमें लगभग 3 से 4 टाइप के अकाउंट्स हमने इस वीडियो में बताए होंगे, और इसमें देखो एक है स्टैंडर्ड मतलब छोटा स्मॉल मतलब स्टैंडर्ड करके है, कुछ नाम देख लेना, स्क्रीनशॉट में लगा दूंगा। तो दूसरा वाला है वो, उसमें क्या है, ये 100% डिपॉजिट बोनस नहीं देते, लेकिन उसमें कमीशन बहुत कम होता है। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हो, स्काल्पिंग वगैरह, तो वो अकाउंट सबसे बेटर है, बोनस के लालच में ना पड़े। हाँ, लेकिन जो लोग थोड़े एक्सपर्ट हैं और स्काल्पिंग ट्रेडिंग वगैरह नहीं करते, और थोड़े से अब एग्जांपल अगर इसमें ट्रेडिंग करना चाहते हैं, बोनस लेना चाहते हैं, अपनी इक्विटी बढ़ाना चाहते हैं, तो देखो स्टॉप लॉस जो लगाओगे नॉर्मल, अगर जहाँ 30 पिप का लगाओगे वहाँ 10 पिप बढ़ा के ही स्टॉप लॉस लगाना। क्यों, अब उसका रीज़न पता नहीं। आप देख लो जैसे कि बिटकॉइन में ही इसका कमीशन देखो 10 पिप के बराबर, इतना कमीशन बिटकॉइन में ले रहे हैं। और वही अगर गोल्ड में देखें, देखो 3 से 4 पिप अभी के टाइम चल रहा है, अभी मान लो चलो वैल्यूम नहीं थोड़ा बढ़ गया, घटता बढ़ता रहता, जो कि रात के 1:11 हो रहे हैं 4 सितंबर 2024 बुध का दिन है, तो आप देख सकते हो। हीरो एडी देखो 2 पिप के आसपास कमीशन है, यूएसडी जे प्राइम भी 2-3, और ये भी और बढ़ जाता है 10 पिप तक जाता है, इसीलिए बोल रहे हैं ये कमीशन बहुत ज़्यादा लेते हैं। लेकिन आप जब अच्छे लेवल पे यानी ट्रेडिंग करते हो, आपको अच्छी नॉलेज है और आप थोड़े स्टॉप लॉस बड़े रख सकते हो, रिस्क ले सकते हो, तो ही इस बोनस को क्लेम करें। हाँ, ये है निगेटिव में साथ देता है, काफ़ी लोग इसका फ़ायदा भी उठाते, जैसे मैं खुद ही जब भी बोनस आता है आपने देखा होगा मैं $200 डाल के $400 करके रिस्क ट्रेड करता हूँ, ऑलमोस्ट कई बार अकाउंट हमने डबल किया, वीडियो भी बनाया, और यहाँ तक कई बार लॉस हुआ उसका भी वीडियो बना के हमने डाला। तो बस यही है, अगर लेना चाहो ये सच्चाई आपको पता होनी चाहिए, नहीं कि कोई भी यूट्यूबर आपको भाई बस बता दे 100 डालो 100 का 200 मिल जाएगा। भाई 100 का 200 दे रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं, देख रहे हो इतने कमीशन, आप एसएल का आपका कितना हंट करेगा, चीज़ें क्या हंट करेंगे। लेकिन ये सब जानने के बावजूद भी आपको लग रहा है भाई स्टॉप लॉस हम बड़े लगा के हम रिस्क ले सकते हैं, प्रॉफिट बना सकते हैं, तो ही इसमें करें। अदरवाइज का सेकेंड अकाउंट जो है वो यूज़ कर सकें, या एक्सएनएस का भी मैंने लिंक दिया, जस्ट मार्केट का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उनमें से कोई भी राइस स्प्रेड अकाउंट या कमीशन वाला अकाउंट ओपन करें, वो सबसे बेटर होता है। बाकी वही बताया, आप एक्सपर्ट हो तो ऐसा नहीं चला सकते, थोड़े से कमीशन भाई 5 से 10 पिप एक्स्ट्रा हो जाते हैं। स्टॉप लॉस कॉमन बात है, जहाँ 10 पिप का रखोगे वहाँ इसमें क्या 20 पिप का आपको रखना ही रखना पड़ेगा, नहीं तो ये स्प्रेड ही हिट हो जाएगा, स्प्रेड की वजह से एसएल हिट हो जाएगा। तो ये फैक्ट जानना जरूरी है, नहीं कि किसी को ब्लाइंडली कोई भी यूट्यूबर हो आपको बता दे बस फॉलो करे गम्मा से ले लो, तो मेरे हर वीडियो में एकदम रियल जो चीज़ फैक्ट रियलिटी वो चीज़ें मैं बता देता हूँ। बाकी आपकी मर्जी है लेना है बोनस की नहीं लेना, लेकिन उन्हीं के लिए ज़्यादा बढ़िया है जो ऑलरेडी यानी थोड़े मतलब ट्रेडिंग स्किल है अच्छी खासी है वही लें, बाकी जो भी न्यूबी वगैरह हैं मैं तो सजेशन करूँगा बिल्कुल भी ना लें। कोई ज़रूरी नहीं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि बोनस से आप कुछ उखाड़ लोगे, उसका रीज़न क्या है, इतना स्प्रेड दे देते हैं कि आपके वैसे ही वो लग जाएंगे। तो सेकेंड अकाउंट का स्क्रीन शॉट दे दूंगा, आप देखिए ना। बाकी बस वीडियो में यही अपडेट करना था, बोनस चल रहा है जिसको क्लेम करना है, ये सच्चाई एक्सेप्ट करने के बाद भी अगर क्लेम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, भाई लिंक का प्रयोग करोगे मेरा भी कुछ फ़ायदा हो जाएगा, तो आप लिंक का प्रयोग कर सकते हो। तो बस बाकी वीडियो अच्छा लगा प्यारा सा कमेंट कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।